दोस्तों पूरी दुनिया में हॉलीवुड मूवीज की तारीफ की जाती है। हॉलीवुड मूवीज न सिर्फ दर्शकों को हर बार कुछ न कुछ नया देखने को देती है बल्कि साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर भी अपना दमखम दिखाती है। ऐसे ही कई बेमिसाल फिल्मों की सौगात हॉलीवुड ने दी है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि कौन सी फिल्म देखी जाए और कौन सी नहीं, तो यहाँ हम आपके लिए हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन एक्शन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। नंबर 10 एस्केप प्लान 2 एक्शन थ्रिलर पर बनी हॉलीवुड मूवी है जिसे 2018 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को स्टेवन सी मिलर द्वारा डायरेक्ट किया गया है। यह मूवी साल 2013 में आई एस्केप प्लान 1 का सीक्वल है। इस मूवी की कहानी रे ब्रेसलिन नाम के व्यक्ति की है जो दुनिया की किसी भी जेल से भागने में चैंपियन होता है। ऐसे में रे कई टॉप जेल से फरार भी हो चुका है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे रे को धोखे से एक जेल में कैद कर लिया जाता है और फिर से कैसे उस जेल से रे भागता है। नंबर 9 अल्फा हिस्टोरिकल एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी है आज से 20,000 साल पहले की, जहाँ पर एक कबीले को दिखाया गया है और उसी कबीले में एक केदा नाम का लड़का भी अपने परिवार के साथ रह रहा है। एक बार शिकार के दौरान केदा अपने परिवार से भटक जाता है। ऐसे में आगे इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे केदा सभी परेशानियों को झेलते हुए घर वापस आता है। नंबर 8 फाइनल स्कोर सुपर हिट एक्शन हॉलीवुड मूवी है। इस मूवी की कहानी है माइकल केनॉक्स नाम के एक व्यक्ति के ऊपर जो फिलहाल एक रिटायर्ड सोल्जर है। एक बार माइकल अपनी दोस्त की बेटी डनी को फुटबॉल मैच दिखाने के लिए स्टेडियम ले जाता है और तभी स्टेडियम पर आतंकवादियों का हमला हो जाता है। ऐसे में आगे इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे माइकल सभी लोगों को उन आतंकवादियों से बचाता है। नंबर 7 हॉब्स एंड शॉ। अब तक फास्ट एंड फ्यूरियस के टोटल 9 पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें हॉब्स एंड शॉ 8th पार्ट है। ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस द्वारा प्रेजेंट की गई है, लेकिन इस मूवी में आपको विन डीजल और उसके साथी एक्टर्स यानी कि डोमिनिक टोरेटो और उसकी टीम तो नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपको हॉब्स एंड शॉ यानी कि ड्वेन जॉनसन और जैसन स्टैथम नजर आएंगे। नंबर 6 एयरफोर्स 1। 1997 में एयरफोर्स 1 मूवी रिलीज हुई थी जिसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका परिवार एयरफोर्स 1 में यात्रा कर रहा है और उस विमान को हाईजैक कर लिया जाता है। इस मूवी में एक्टर हैरिसन फोर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति के रोल में नजर आए थे। नंबर 5 दी हर्ट लॉकर। इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2004 में इराक गए अमेरिकी फौज की एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्प्लोजिव यूनिट के 3 सैनिकों की तैनाती से। ये सैनिक इराक में आतंकवादियों द्वारा लगाए गए बमों को डिस्पोज करते हैं। इस मूवी में दिन रात लड़ाई के बीच जूझते सैनिकों के बीच बदलते रिश्ते दिखाए गए हैं। लड़ाई के मैदान से लौटकर घर आने पर भी युद्ध भूमि में जाने की तड़प क्या होती है, ये इस मूवी की थीम है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कैथरीन बिगेलो ने। इस मूवी में जेरेमी रेनर, एंथोनी मैकी, गाय पियर्स, डेविड मोर्स, रॉल्फ फेंस जैसे एक्टर्स ने काम किया है। नंबर 4 जीरो डार्क थर्टी साल 2012 में रिलीज हुई थी। कैथरीन बिगेलो द्वारा डायरेक्ट की गई जीरो डार्क 30 में ना सिर्फ ये दिखाया था कि उस रात क्या और कैसे हुआ था, बल्कि 9/11 के हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन की 10 सालों की मुश्किलों की कहानी भी दिखाई गई थी। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट की गई मूवी जीरो डार्क 30 को विवादों का सामना भी करना पड़ा था। जीरो डार्क 30 में 2 हेलीकॉप्टरों के ओसामा के घर घुसकर किए गए हमले को बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। इस मूवी की कहानी आतंकवाद पर होने वाली लड़ाई को दर्शाती है। नंबर 3 बैड बॉयज ऑफ लाइफ 2020 के अमेरिकन एक्शन और कॉमेडी पर बनी हॉलीवुड मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है आदिल और बिलाल ने। इस मूवी में आपको लीड एक्टर्स के रूप में विल स्मिथ, मार्टिन लॉरेंस और वेनेसा यूडगेस देखने को मिलते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। इस मूवी की कहानी आधारित है ड्रग्स माफिया और पुलिस पर, जहां विल स्मिथ एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि उसके जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, वो नाना बनने वाले है, तभी अचानक से उनकी जिंदगी में एक ड्रग्स माफिया की बीवी दाखिल होती है जो अपने पति का बदला लेने के लिए हर शख्स को मारना चाहती है जिसने उसके पति को मारा था, और उसमें से विल स्मिथ भी रहता है। इस मूवी की कहानी आगे और भी ज्यादा मजेदार है, कैसे विल स्मिथ रिटायर्ड होने के बाद भी उस माफिया से लड़ता है वो आपको इस मूवी के देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 2 एक्सट्रैक्शन अमेरिकन एक्शन थ्रिलर पर बनी हॉलीवुड मूवी है जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था, जिसे डायरेक्ट किया है सैम हार्ग्रेव ने। और इस मूवी के अंदर आपको लीड रोल में मार्वल सीरीज के थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ और इसी के साथ रुद्राक्ष जायसवाल और रणदीप हुड्डा जैसे इंडियन एक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी आधारित है एक भारतीय ड्रग माफिया के बेटे ओवी के ऊपर, जो मूवी में एक दूसरे ड्रग माफिया द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, और फिर ओवी को बचाने के लिए टाइलर रेक यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आगे इस मूवी की कहानी में आपको फुल एक्शन देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप एक्शन लवर है तो इस मूवी को एक बार जरूर देखें। नंबर 1
मिशन इम्पॉसिबल फॉलोआउट। मिशन इम्पॉसिबल फॉलोआउट 2018 की शानदार एक्शन और स्पाई पर बनी हॉलीवुड मूवी है। अब तक इस मूवी के 6 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें मिशन इम्पॉसिबल फॉलोआउट 6th पार्ट है। इस मूवी में आपको टॉम क्रूज का वही पुराना वाला अंदाज देखने को मिलेगा कि कैसे टॉम क्रूज अपने मिशन को अंजाम देते हैं, वो इस मूवी में आपको अच्छे से दिखाया गया है। जो मूवीज फ्री में अवेलेबल है उन मूवीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।